बाप रे काला ताजमहल। जी हाँ गाइस, मेरे पीछे देख सकते हो, ये है काला ताजमहल। आखिर मिल गया काला ताजमहल। कैसे हो दोस्तों, एक और ब्लॉग में स्वागत है। और हम आए हुए हैं बुरहानपुर एमपी में। आप मेरे पीछे देखेंगे, इधर गांव है और ये किस हालत में आप देख सकते हैं। सेम इस गांव के सामने ये है काला ताजमहल। क्या आपने कभी काला ताजमहल देखा है? चलिए मैं दिखाता हूँ। अक्सर आपने किताबों में सुना है, आपने पढ़ा है, आपने सुना है कि जहाँ आगरा में ताजमहल है उसके जस्ट सामने नदी के पार जो है काला ताजमहल बनने वाला था। इसकी हकीकत क्या है हम आपको बताएं। तो गाइस, मैं हूँ इस समय बुरहानपुर में, और बुरहानपुर में आप ये देखेंगे, ये जो मकबरा है ये शाहनवाज का मकबरा है। जो शाहनवाज रहे हैं उनका मकबरा, साथ में उनकी जो बेगम, उन दोनों की यहाँ पर कब्र है। और बताया जाता है कि ये जो आप देख रहे हैं ये इसी की तर्ज पर जो है ताजमहल जो है बना था। आप यहाँ से देखिए तो आप एक जस्ट इमेजिन कर सकते हैं काला ताजमहल कैसे बना होगा। तो आप इसका, आप ये तस्वीर देखिए, बिल्कुल सेम ऐसी काला ताजमहल लग रहा है। और जस्ट सामने आप देखिए इस तरह से ये पोखरान बना हुआ है, हालांकि उसकी मात्रा में ये बहुत छोटा है। और बताना चाहता हूँ गाइस, इसी के पीछे जो है एक नदी है, उस नदी को हम क्या बोलते हैं? कुतावली नदी। जी हाँ दोस्तों, कुतावली नदी है। और बताते हैं कि ये नदी जो है ये उल्टी बहती है। तो चलिए गाइस, हम आपको दिखाते हैं। तो गाइस, अगर मैं बताना चाहूँ, ये जो शाहनवाज हैं इनका एक्चुअल में नाम था इरस। और सोचिए कि एक ये जो इरस थे जिनका नाम है तुम्हारी शाहनवाज, सोचिए ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि जहांगीर के वो सलाहकार थे और उनका यानी एक सेनापति थे, और उनका मकबरा बनना एक बहुत बड़ी बात थी। क्योंकि उस समय किसी भी सैनिक की जब मौत हो जाती थी तो उसको एक पहचान नहीं मिल पाती थी। देखिए, इनकी पहचान है, इनके मकबरे में हम वीडियो बनाने के लिए आए हैं, तो जाहिर है इन्हें एक पहचान मिली है। और कहीं ना कहीं जो जहांगीर रहे हैं उन्होंने इनको प्यार किया है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि जब जहांगीर ने इनको पहचान के रूप में इनका मकबरा तैयार करके दिया। इसकी एक खासियत और है कि अभी तक जितने भी हमने किले कवर किए हैं वहाँ पर हम देखते हैं जो कवर होती है वो एक्चुअल में असली कवर अंदर होती है और ऊपर आर्टिफिशियल होती है, और जो नीचे वाली कवर होती है इसको बंद कर दिया जाता है। सेम आगरे में भी, लेकिन यहाँ जो कवर है इसकी नीचे वाली वो ओपन है, यानी हम वहाँ पर जाएंगे और आपको दिखाएंगे। मैं बताना चाहता हूँ कि अकबर जो बादशाह रहे हैं उनके, आपने नौ रत्न का नाम तो सुना होगा, नवरत्न का, उसी में थे एक अब्दुल गफ्फार रहीम, खाना रहीम उन्हें बोला जाता है पूरा। और आपको पता है वो कितने किस सोच के थे, संस्कृत आती थी उन्हें, सारी भाषाएं आती थी। और उन्हीं के ये लड़के थे जिनका नाम था बादशाह इरस, जिसे बोला गया शाहनवाज। तो ये जो आप पूरी देख रहे हैं बिल्कुल, तो एक ऐसा आकार लग रहा है जैसे बिल्कुल सेम ताजमहल है। और इसके पत्थर देखिए, पत्थर ब्लैक हैं, और इसको बड़ी एक अच्छी तरीके से बनाया गया है। सबसे बड़ी बात क्या है, लगभग 400 450 साल होने के बावजूद वो होता क्या है दोस्तों कि ये सारी चीज़ें डैमेज हो जाती हैं, लेकिन इसको अभी आप देखोगे तो ये सही सलामत है और अच्छी अवस्था में। हालांकि लोग बहुत कम आते हैं, यहाँ कोई टिकट नहीं है। मगर मैं आपको अंदर से दिखाऊँ तो ये इनका ऊपर का लुक है जहाँ हम जा रहे हैं, इसके लिए हमने शू उतार दिया है। और अभी हम चलते हैं ऊपर, गाइस हम आ चुके हैं ऊपर, और मैं अभी दिखा रहा हूँ कब। शानदार। तो गाइस आप देख सकते हो ये है शाहनवाज जो रहे हैं उनके कब्र, और ये उनके पैर के कब्र है। अगर मैं नक्काशी की बात करूँ तो आप नक्काशी देख लीजिए कितनी शानदार बनी हुई है। प्लस इसका जो मॉडल देखोगे ना, अभी आप छत हालांकि धीरे धीरे आप डैमेज तो होने लगी है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी है। ऊपर का जो सारा आकार है वो अभी भी बहुत अच्छा बना हुआ है। सेम इस तरह से जो डिजाइन किया गया है, सेम इसी की तर्ज पर जो है आगरा का ताजमहल जो है डिजाइन किया गया है। आपको पता है आगरा का ताजमहल जो है यह बुरहानपुर में बनने वाला था, उस पर भी मैं ब्लॉग बनाऊंगा, बट मैं अभी आपको आगे दिखाऊँ। तो इसके बिल्कुल सेम इसी तरीके से जालीदार दरवाजे बनाए गए हैं, हालांकि इस दरवाजे को बंद कर दिया है, इधर से भी बंद कर दिया है और उस साइड से ही बंद कर दिया है, और पीछे वाले एक जाली के रूप में रखा गया है। तो ये यहाँ का तर्ज है जो मैंने आपको दिखाया है।
अभी मैं आपको जो है नीचे जो इनकी ओरिजिनल कब्र है वो दिखाने वाला हूँ। आइए मैं गाइस देखोगे यहाँ भी जो इसके बाद ये जो बनाए गए हैं दो मेहराब बनाए गए हैं इस साइड भी और इस साइड भी सेम इसी तरीके से जैसे ताजमहल में बने हुए हैं। तो ताजमहल का जो डिज़ाइन है एक तरीके से वो जो बुरहानपुर से तय हुआ था यहाँ से डिज़ाइन तय हुआ था इसका। अभी हम चल रहे हैं नीचे। अमूमन तौर पर क्या होता है कि नीचे की सारी चीज़ें ना बंद होती हैं बट यहाँ पर ये जो चीज़ है ओपन है। फिर चलिए हम जो है अंदर चलते हैं। तो अभी हम चलते हैं अंदर। जो है काफ़ी अंधेरा हो रहा है और अभी हम चलते हैं। एक चीज महसूस किया आपने? तो वो एक चीज महसूस किया आपने? हाँ। क्या? इत्र। इत्र महसूस किया। और एक चीज महसूस करो, रोशनी आ रही है। हाँ रोशनी आ रही है। गाइस इनकी कब्र पर रोशनी आ रही है और ऐसा कुछ नहीं है, इसको हम चमत्कार नहीं कह सकते। एक्चुअली में क्या है, इधर तो कोई जाली लगी हुई है। ये जो जाली लगा हुई है हाँ। यहाँ से रोशनी आ रही है। ये देखिए यहाँ से रोशनी आ रही है। अब मैंने मोबाइल की लाइट खोल ली है। ये देखिए, तो आप देखिए ये जो शाहनवाज है उनकी कब्र रही है जो गुजरे हैं और ये उनकी वाइफ की कब्र रही है। इधर जाली इधर तो बंद है, इधर जो है जाली ओपन है, वहाँ से जो है लाइट आ रही थी। अभी देखो मैं लाइट बंद कर दूंगा तो फिर भी आप देखो लाइट दिखाई दे रही है, रोशनी दिखाई दे रही है। यहाँ तो काफ़ी अच्छा है, इत्र की खुशबू आ रही है, इत्र भी है यहाँ। तो ये मैंने आपको दिखाया, चलिए आप चलते हैं और आपको मैं वो नदी दिखाऊंगा जो नदी जो है पास में ही है। तो गाइस अब मैं दिखाने वाला हूं आपको यहां की नदी, लेकिन जस्ट सामने इससे पहले आप ये देखिए, बताते हैं जो शाहनवाज रहे हैं उनकी जो बेटी है, ये बेटी का मकबरा है उनका। तो अब तो डैमेज हो चुका है काफ़ी, बट यहाँ का अगर मैं आस पास का माहौल बताऊँ आपको तो काफ़ी हरा भरा है और यहाँ जैसे हम लोग आए हैं और भी ऑलरेडी लोग आए हैं। चलिए अब मैं आपको वो नदी दिखाता हूँ। तो गाइस मैं इसके डिज़ाइन की बात करूं तो सेम डिज़ाइन मैंने जो आपको कहा कि सेम इसी तरीके से जैसे आगरा का ताजमहल है, और मैंने कहा था कि यहाँ से ही एक नक्शा जो है वहाँ जाता है ताजमहल का, तो काफ़ी अच्छा बना हुआ है और ब्लैक बना हुआ है। क्योंकि जस्ट क्या हुआ था जब मैंने आपको बताऊंगा लाल वाला मैंने आगरा के ताजमहल का जिक्र किया था तो मैंने बताया था कि एग्जैक्टली काला ताजमहल बनने वाला था बट वो नहीं बन पाया ऐसा, बट ऐसा कहीं बुक्स में लिखा हुआ नहीं है। लेकिन ये इल्यूज़न नहीं है, केवल वो यहाँ से स्टार्ट हुआ था। अब ये इसमें बिहाइंड पीछे का सीन है। अगर मैं पीछे के सीन की बात करूँ तो ये आप नदी देख लीजिए, इसे बोला जाता है उतावली नदी। और एग्जैक्टली इस नदी की खासियत क्यों है, इस नदी के बारे में लोग कहते हैं कि ये नदी उल्टी बहती है। नदी कैसे बहती है भाई? सीधा बहती है नदी। तो नदी कैसे बहती है? उल्टी बहती है। हाँ, किस तरीके से? पश्चिम से पूरा, पूर्व से पश्चिम, पूर्व पूर्व पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है हमेशा ये नदी, ये वाली नदी ना पश्चिम से पूर्व, इसलिए लोग ये कहते हैं कि ये उल्टी नदी है, उल्टी नदी बहती है। चलिए यहाँ से हम आपको जो है नदी दिखाते हैं और थोड़ा जो है आप इसका बैक जो है डिजाइन भी देख सकते हैं यहाँ से। तो गाइस अब हम दिखाएंगे यहाँ से आपको उतावली नदी। तो आप प्रॉपर तरीके से यहाँ से आप नदी देख पाओगे। तो ये नदी है और शायद ये छोटी नदी है और इसी की वजह से जो प्रोजेक्ट रहा है ताजमहल का वो कभी यहाँ कंप्लीट नहीं हो पाया। बट एक चीज़ तो है कि मुग़ल लोगों को यहाँ से एक दिशा मिल गई थी, एक नक्शा मिल गया था। अगर मैं यहाँ से आगे की बात करूँ तो मैं ऑलरेडी जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि जो शाहनवाज रहे हैं उनकी जो बेटी है ये बेटी का मकबरा है। और अभी देख रही है किस तरीके से ज़िंदगी जी रहे हैं, साफ़ सफाई भी नहीं है, काफ़ी गंदगी हो चुकी है। एग्जैक्टली तो गाइज ये मैंने आपको दिखाया ब्लैक ताजमहल जो काफ़ी इनक्रेडिबल है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसके पत्थर की बात किया है तो पत्थर की जो मजबूती है अभी भी देखने को मिलती है, शाइनिंग अभी भी देखने को मिलती है। क्योंकि दोस्तों होता है क्या कि ताजमहल के अलावा जितनी भी बिल्डिंग रही है हिस्टोरिकल प्लेस, ताजमहल और तुम्हारे की लाल किले से अलावा वो लगभग सारी डैमेज हो चुकी है, बट इसकी बात करूँ तो ये अभी भी ठीक ठाक पोजिशन में लगती है। तो ये चारों तरफ इसकी जो बाउंड्री हो रही है और साफ सफाई की थोड़ी कमी है, टिकट कोई है नहीं इसका। तो अगर आप बुरहानपुर आएँ तो इस जगह को ज़रूर घूमें, काफ़ी अच्छी जगह है। अब्दुल जो हिम खाने खाना खाने रहे हैं। तो आई होप दोस्तों ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। मैं इस ब्लॉग का एंड कर रहा हूँ और मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।